हे स्टूडेंट्स, तो हम अपना सेकेंड चैप्टर दैट इज माय बॉडी कंप्लीट कर चुके हैं. बच्चों, ये लास्ट एक्सरसाइज है जो आपको आपकी नोटबुक में करनी है. डरिए मत, ये आपकी बुक पे नहीं है एक्सरसाइज, ये एक्स्ट्रा एक्सरसाइज है, ठीक है, जिसको हम लोग अपनी नोटबुक में लिखेंगे. तो आप नोटबुक में एक फ्रेश पेज लीजिएगा, न्यू पेज, अपनी फेयर नोटबुक में, एंड उसमें हेडिंग डालिएगा वन वर्ड आंसर. क्या हेडिंग डालेंगे? वन वर्ड आंसर. फिर उसके नीचे गेस द सेंस ऑर्गन, यहाँ आप देख पा रहे हो गेस द सेंस ऑर्गन लिखा है, ठीक है, ओके. तो स्टार्ट करते हैं. उससे पहले बच्चों, सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं आप लोग को याद है? हमने इस चैप्टर में पढ़े भी हैं. जो हमारे सेंसेस होते हैं या सेंस ऑर्गन्स, वो कौन कौन से होते हैं? Eyes, okay, and ears, nose, tongue, and skin. इसमें से सबसे largest कौन होता है बच्चों? For your revision, मैंने आपको बताया था largest sense organ कौन सा होता है? That is our skin. तो बच्चों, basically sense organs कौन क्या होते हैं? वो जो हमारा environment होता है, उसे उसमें जो भी changes आते हैं या जो भी environment में हो रहा होता है, उसको सेंस करने में, उसको समझने में हमारी मदद करते हैं, ठीक है. जैसे अगर कोई चीज़ है, हम उसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, है ना, उसको स्मेल कर सकते हैं, उसको टेस्ट कर सकते हैं. सो दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ आवर सेंस ऑर्गन्स. तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज, ठीक है. इफ़ यू वॉन्ट टू हियर अ सॉन्ग, यू हैव टू लिसन विद योर. अब देखो, फर्स्ट पिक्चर देखो बच्चों, किस चीज की बनी है? राइट, आपके ईयर्स की. तो वो बोल रहा है, अगर आपको कोई सॉन्ग सुनना है तो आप कहाँ से सुनोगे? तो आप कहाँ से सुनोगे? अपने ईयर्स से सुनोगे. क्लियर? चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट वन सेज, इफ यू वॉन्ट टू टेस्ट अ डिश. कोई डिश बनी है आपके घर पे, कोई यमी सी डिश है ना, एंड आपको वो टेस्ट करनी है. क्या करनी है बच्चों? टेस्ट करनी है. सो इफ यू वॉन्ट टू टेस्ट अ डिश, यू कैन टेस्ट इट विद योर. सो वो आपसे सेंस ऑर्गन पूछ रहा है, आप किस सेंस ऑर्गन से उस डिश को टेस्ट कर सकते हो. तो बच्चों, किस सेंस ऑर्गन से आप टेस्ट कर सकते हो? दैट इज योर टंग. वेरी करेक्ट. राइट हैंड साइड पे देखिए, आप पिक्चर भी बनी है ना, एक स्पून बना है, एक टंग बनी है, उससे हम टेस्ट करते हैं. ओके, क्लियर. तो अभी तक हमने क्या देखा? हियर कहाँ से करेंगे हम? ईयर्स से. टेस्ट कहाँ से करेंगे? टंग से. अब नेक्स्ट केस देखते हैं. इफ यू वॉन्ट टू सी अ बर्ड फ्लाइंग, क्या बोल रहा है वो? क्वेश्चन बोल रहा है, इफ यू वॉन्ट टू सी, मेन वर्ड क्या है बच्चों? सी. सी अ बर्ड फ्लाइंग, यू मस्ट ओपन योर. आपको बर्ड को फ्लाई करते हुए देखना है तो आपको क्या ओपन करना पड़ेगा? अपनी आईज ओपन करनी पड़ेंगी. वेरी करेक्ट. क्या ओपन करना पड़ेगा बच्चों? आईज ओपन करनी पड़ेंगी. ओके, फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जो स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो, या अपनी पेंसिल, पेन, पेज, जिस चीज पे भी आप पढ़ रहे हो, इन सारी चीजों को देख पा रहे हो, राइट? अब मैं कह दूं अपनी आईज क्लोज कर दूं, क्या आप देख पाओगे? बिल्कुल नहीं. सो व्हेन वी हैव टू सी एनीथिंग, वी सी इट विद आवर आईज. अगेन बच्चों, फर्स्ट ही रिवाइज करते हैं. इफ यू वांट टू हियर अ सॉन्ग, यू हैव टू लिसन विद योर ईयर्स. इफ यू वांट टू टेस्ट अ डिश, क्या करेंगे हम? यूज टंग. ओके, and if you want to see a bird flying, then kya use karenge? Eyes. Ab last bachcho, if you want to feel a soft blanket, kya karna hai aapko? Ek soft blanket hai, usko feel karna hai. Kaise karoge? Apni skin se karoge. You can sense it with your skin. Bachcho, yahan pe dekho hand bana hai. Hum hand kyun nahi bol rahe? Kyunki dekho, agar aap soft blanket pe apne चीक्स लगाते हो या अपने लेग्स लगाते हो, तो भी आप उसको फील कर सकते हो कि ये कोई ये चीज़ सॉफ्ट है. तो ज़रूरी नहीं है हैंड्स ही हो वो. तो ऐसी किस चीज़ से हमें उसकी
सॉफ्टनेस, हार्डनेस या टेम्परेचर पता चलता है तो वो स्किन है जो थ्रू आउट द बॉडी है। ओके चिल्ड्रन, ये अपनी नोटबुक में कंप्लीट कर लीजिएगा।